अरे अरे क्या मेरे ऊपर चढ़ाओगे? बच गई मम्मी। हिलाओ हिलाओ हिलाओ। हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है दीपावली का खास पर्व, तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी ये भी आ गए हाथ से दीपावली सेलिब्रेशन के लिए। जब ये आए हैं तो ये जिठानी जी यहीं आप गेट के पास ही खड़ी हुई थी, तो मैं इनसे बात करने लग गई हूँ ऐसे ही। और ये मेरी जो मेरी ताई सास है ना, उनकी दूसरे नंबर की बहू हैं ये। दीपावली ऐसी मनाओ तो तांशु खाना फिनिश हुआ कि नहीं आपका? बस आधी होती है। चल खा के जल्दी जल्दी जा, खाना खा के वो घरवाई। और जब से इन्होंने रेस्टोरेंट ज्वाइन किया ना, तब से इनकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है। ये देखो, इनको सेविंग कराने तक का टाइम नहीं मिला है। बस हाँ, एक बात अच्छी है कि कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों टाइम का खाना इनको रेस्टोरेंट में मिल जाता है। और अभी मैं यहाँ पर इनके लिए चाय बनाने आई हूँ। लाइट आ रही है तो मैं इंडक्शन पर बना रही हूँ चाय।
और ये मेरे जेठ जी हैं जो कि चक्का ही चलाने लग रहे हैं। और ये चक्का ही ना मतलब चली नहीं है, बस हल्की सी इसने आग पकड़ी है और एकदम फुस हो गई है। तो इस बार पता मतलब ये जितने भी वो लेकर के आए थे क्रैकर्स छोटे मोटे लेके आए थे चक्का ही अनार, मतलब जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता ऐसे ही लेकर के आए थे, तो ये चले ही नहीं। और तांशु के पापा तो क्रैकर्स लेके ही नहीं आए, मैंने इनको मना कर दिया था कि क्रैकर्स लेके बिल्कुल मत आना, अगर लाना ही है तो फुलझड़ ही ले आना। और जो वैसे वाले बच्चों वाले क्रैकर्स होते हैं कि आप दीवार पे मारो फर्श पर मारो तो वो फूट जाते हैं, वैसे वाले ले आना, बट ऐसे जो हाँ वैसे वाले क्रैकर्स मत लेके आना जिससे कि ये नुकसान पहुँचे बच्चों को। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ छत पर कैंडल्स लगाने आए हैं, लेकिन यहाँ पर हवा इतनी तेज चल रही है कि कैंडल जल ही नहीं पा रही है। ये देखो जैसे जलाते हैं थोड़ी देर जलती है बुझ जाती है हवा से, ये भी बुझ गई वो बुझी दोबारा जला रहे हैं। और देखो उधर आगे तो मैं जला के ही नहीं आई क्योंकि उधर तो हवा और तेज लग रही है सामने की तरफ, तो जैसे ही जला रही हूँ वैसे ही बुझ रही है। तो ये देख थोड़ा साइड में पड़ जाता है ओर में पड़ जाता है ना, क्योंकि यहाँ इस तरफ जो है इस तरफ का एरिया पूरा ढका हुआ है, ये यहाँ इधर तील लगी हुई है ना, तो इधर से हवा यहाँ थोड़ा कम आ रही है, इतने हिस्से में थोड़ी बहुत जल भी रही है, बाकी इधर पूरा हिस्सा ना छत का पूरा खुला हुआ है, तो यहाँ तो कैंडल जल ही नहीं पा रही है, सब बहुत जा रही है। अभी नहीं लगा तो क्या करें।